हेलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस एक छोटे से सीसीटीवी कैमरे का, जिसका कीमत सिर्फ 1500 रुपया है। तो 1500 रुपीज़ के अंदर में अगर आप एक सीसीटीवी खरीदना चाहते हैं, लो बजट है, घर में, ऑफिस में, चाहे जहां भी आप लगाना चाहते हैं, उसके लिए ये कैमरा आपके लिए काफ़ी एक हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ है, कैसे सेटअप करना है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे वीडियोस रिकॉर्ड करेगा, सारी प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गुड्डू ब्रांड का एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा है, जिसको आप अमेजोन वेब सर्विस पे भी आप इसको क्लाउड में आप जाकर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली इसका प्राइस कम इसीलिए है क्योंकि 1500 रुपये के अंदर में इसमें आपको DVR बॉक्स नहीं मिलता है। DVR बॉक्स का ही कीमत बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क होती है और हार्ड डिस्क की कीमत ही 4000-3000 रुपये हो जाती है। नॉर्मल सीसीटीवी की हम बात करें तो उसकी जो कीमत होती है वो 7000-8000-10000, अपने डिपेंड अपन कैमरा क्वालिटी और स्टोरेज के हिसाब से होता है। लेकिन इसमें स्टोरेज के लिए आपको एक SD कार्ड दिया गया है, जिसकी इसको इसका बेसिकली जो 15 फंक्शन है उसके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस कैमरे को आप अमेजन वेब सर्विस से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर अमेजन वेब सर्विस अपने फोन में, स्मार्टफोन में या फिर लैपटॉप में आप इसको जो भी वीडियोज सीसीटीवी का फुटेज उसको आप देख सकते हैं। बॉक्स के हम साइड में देख लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ। फिर इसकी जो फंक्शंस है वो है, इसमें क्लाउड स्टोरेज मिलता है, वाईफाई है, आपको इसमें टू वे ऑडियो मिलता है, इसके साथ साथ वाईफाई SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। काफ़ी सारे इसमें जो फैसिलिटी है वो दिए हुए हैं, लगभग 15 फीचर्स है जिसके बारे में थोड़ा देर में हम बात करेंगे। इस बॉक्स के हम साइड में देख ले तो कुछ नहीं, बस पावर सप्लाई के वगैरह पूरा फंक्शन दिया हुआ कि पावर सप्लाई कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, तो और पावर सप्लाई के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। इस ब्रांड की कुछ और भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनका QR कोड दिया हुआ है, इस पर आप फोन के स्मार्टफोन से स्कैन करेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, banggoodwale.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, जहाँ पर ये प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी। बेसिकली इस प्रोडक्ट को मुझे banggood.com ने भेजा है, बोला है रिव्यू करके आप अपने सब्सक्राइबर को दिखाइए कि क्या कुछ है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे मिला एक छोटा सा कैटलॉग, अभी बिल्कुल मैं अभी कभी खोला ही नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपको ला के दिखाई रहा हूँ। तो एक छोटा सा मुझे मिला है, एक इसका कैटलॉग है, एक मैनुअल है, एक बुक है। तो कैसे आपको सेटअप करना है इस बुक को बिना पढ़े, शायद आपको कहीं फर्स्ट टाइम करने में आपको हो जाएगी दिक्कत, तो आप इसको जरूर से पढ़िए। कितने फंक्शन है, एंड्रॉयड ऐप के लिए QR कोड दिया हुआ है, या iOS के लिए दिया हुआ है, इसका एक ऑफिशियल ऐप भी आप एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप रिमोटली देख सकेंगे कि आपके कैमरा में क्या रिकॉर्ड हो रहा है। और ये कलरफुल ये मैनुअल है तो काफ़ी एक अच्छी बात है, समझ में भी आएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे क्या आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो आप इसको आराम से पढ़िए, फिलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब थोड़ा डब्बा का देख लीजिए क्या, चलिए मैं अब निकालता हूँ इस कैमरे को। कैमरा तो निकल गया है, फिलहाल मैं कैमरे को रखता हूँ थोड़ा सा साइड में और दिखाता हूँ कि अंदर में क्या कुछ है। ये कुछ नहीं है, खाली एक छोटा सा मिला है USB मिनी केबल, तो एक नॉर्मल डेटा केबल के जैसा ही है, जैसे कि हम लोग स्मार्टफोन के चार्जर वगैरह में मुझे मिलता है। इसके बाद मुझे मिलता है एक चार्जर, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है। तो यार, 2 एम्पियर का चार्जर, जो स्मार्टफोन जो 4000 mAh वाली जो बैटरी होती है, जनरली उनका जो चार्जर होता है वो 2 एम्पियर का ही होता है, तो इस टाइप का स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज कीजिए, स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। इसमें USB का केबल लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब ऐसे फोन का चार्जर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है ये स्क्रू वगैरह, तो इसको आप फिटिंग कर देते दीवार ववाल वगैरह में सेट कर सकते हैं, तो फिलहाल इसको भी रखते हैं साइड में। अब डब्बे में कुछ नहीं है। हम बात करते हैं इस कैमरे की, तो ये कैमरा देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको निकाल देता हूँ उसको। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इसमें। दोस्तों, इसको बैक साइड में आप देख लीजिए कि बैक साइड में आपको एक छोटा सा मिलता है यहाँ पे रीसेट बटन, फिर मिनी माइक्रो USB आपको कनेक्टर, यहाँ पे एक LAN RJ45 का कनेक्शन, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना मॉडम जो राउटर होता है वहाँ का जो RJ45 का कनेक्शन है सीधा आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद एक SD कार्ड का स्लॉट दिया होता है, आप अपने SD कार्ड लगा के यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक स्पीकर जैसा दिया हुआ है, तो आप देखते हैं इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। आगे में एक छोटा सा माइक तो है ये, तो यानी वॉइस को भी ये रिकॉर्ड करेगा। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं इंटरफेस और दिखाते हैं कि क्या कुछ है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, कैमरा काफ़ी पावरफुल लग रहा है, 1080p फुल HD कैमरा है। तो रियल में कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा है ये डिपेंड करता है, सिर्फ मेगापिक्सल से वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आने वाली है। बेसिकली इसके काफ़ी सारे फंक्शन से मैंने आपको पहले बता दिया, ये 2 वे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, स्ट्रीमिंग काफ़ी अच्छी होती है, मोशन डिटेक्शन को ये काम करेगा, इंफ्रारेड पे भी ये काम करेगा, इंफ्रारेड वीडियोस पे भी ये काम करेगा। ये रिमोटली आप किसी भी प्रोडक्ट को मॉनिटर, रिमोटली आप इस CCTV को मॉनिटर कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन में, अपने लैपटॉप में, व्हाटएवर जहाँ भी हो।
15 डेज का Amazon क्लाउड सर्विस आपको फ्री मिलता है। Amazon क्लाउड सर्विस का में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 15 डेज फ्री मिलेगा, इसके बाद आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास SD कार्ड है, SD कार्ड आप लगा लीजिएगा, SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है तो उसको जरूरत नहीं है, आप SD कार्ड ही लगा के आप रिकॉर्ड कर लीजिए। Amazon की सर्विस आप नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिए। आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये दिन के अलावा रात में भी पूरी तरह ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एप्लीकेबल है। तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, ये नाइट विजन कैमरे की जैसा भी ये काम करता है। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे ये काम करेगा। दोस्तों अब इसका जो एंड्रॉयड ऐप है मैं फ़ोन में करता हूँ इंस्टॉल, फिर करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें कनेक्टिविटी हम कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप को कर लिया है इंस्टॉल, इसके बाद इसको करना है ओपन। ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे उसका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको एक यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल दिया है और इसके बाद ऐड डिवाइस पे हमको करना है क्लिक। ऐड डिवाइस पे करने के बाद आपके काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पे है वाईफाई स्मार्ट कनेक्शन, स्कैन QR कोड और वायर्ड कनेक्शन। चूंकि मैं यहाँ पे आपको ये वाईफाई कनेक्शन से करके दिखाने जा रहा हूँ, चूंकि ये वायर्ड कनेक्शन पे मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास अभी वाईफाई का यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, तो चलिए मैं इसको वाईफाई से करते हैं कनेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ वाईफाई स्मार्ट कनेक्शन, इसको जब आप वाईफाई स्मार्ट कनेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा प्रोसीड टू सेट द बटन, तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका वाईफाई का नेम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मेरा JioFi टेक्निकल गुप्ता जी लिखा हुआ तो यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पर डालना वाईफाई का पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब आपका यहाँ पे पूछने लगेगा, वाईफाई यहाँ पे देखिए घूम रहा है, ये सर्च करेगा, ये वाईफाई जैसे सर्च करेगा आपको यहाँ पे करना है छोटा सा है यहाँ पे रीसेट बटन, आपको इस रीसेट बटन को थोड़ा सा करना है प्रेस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करता हूँ और वाईफाई से इसको कनेक्ट करता हूँ। स्पीकर से एक कनेक्टेड हो जाता है, तो कनेक्टेड का एक आपको यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है। जैसे बिप साउंड देगा मतलब समझ लीजिए कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब आपका यह है रेडी होने के लिए, वर्क करने के लिए रेडी है। देखिए जैसे कनेक्शन हो रहा है देखिए ऑटोमेटिकली ये मूव कर रहा है 180 डिग्री पे, ये चारों तरफ घूम के एक बार चेक करता है कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। मैंने इसको यूज़ किया था यार, इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है, चूँकि ये फुल HD है तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी में वीडियोज़ को करते रहते हैं। अब ये बोल रहा है वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि कनेक्टेड हो गया और बीप साउंड मुझे अभी सुनाई पड़ गया है। अभी बोल रहा है वाईफाई कनेक्टिंग के लिए वेट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है कि बस इस पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद देखिए अभी ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन ये सामने का जो कैमरे के सामने का जो दिख रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे है म्यूट बटन, यहाँ पे है होल्ड एंड टॉक और यहाँ पे स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए, एक स्क्रीनशॉट आपको ये आ गया। इसके बाद होल्ड एंड टॉक, अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे बात करूँ तो बात हो जाएगा। वेलकम टू टेक्निकल गुप्ता जी, यहाँ पे ये बात हो रहा है। तो आप होल्ड करके एज ए वायरलेस वॉकी टॉकी की जैसे यहाँ पे काम में भी इसको ले सकते हैं। म्यूट बटन को मैंने इसलिए यहाँ पे क्लिक करके रखा है क्योंकि ये मेरी बात को रिप्लेस ना करे। चलिए यहाँ पे है नेविगेशन बटन, मैं इस पर नेविगेशन पे करता हूँ क्लिक और आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये नेविगेट होता है। जैसे मैं राइट नेविगेशन पे करता हूँ क्लिक, ये कैमरा ऑटोमेटिकली राइट मूव होगा और राइट की जो सामने जो भी आएगा उसको वो कैप्चर करेगा। देखिए यहाँ पे कैप्चर करता है चला जा रहा है, ये टोटली 180 डिग्री पे मूव होता है। इसके बाद मैं इसको अप करना चाहता हूँ तो देखिए ये अप होगा, ऊपर की तरफ इसका कैमरा जाएगा। इसके बाद डाउन करना चाहते हैं तो डाउन होगा। तो मतलब ये पूरा लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी आप करवाना चाहेंगे आप करवा सकते हैं। आप रिमोटली बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये कैमरा भी मूव कर रहा है क्योंकि मैंने अभी राइट पे क्लिक करके रखा है कि अभी मेरे तरफ आ गया बिल्कुल। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखना चाहता हूँ, देखिए मेरा फेस आपको यहाँ पे दिखेगा, इसमें इस फोन में दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैमरा बिल्कुल मेरे सामने हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप इसको लेफ्ट राइट अप डाउन इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको चाहें तो ये सारा फोटेज जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी इसके क्लाउड में, ये सारा फोटेज इनके क्लाउड में स्टोर हो रहा है। आप इसको चाहें तो अपने SD कार्ड में सेव कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो अमेजन क्लाउड सर्विस भी लेके वहाँ पे भी परमानेंटली आप सेव कर सकते हैं, जब चाहे शेयर कर सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान है, आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें लैन केबल के थ्रू, यहाँ जो लैन केबल है आप उसके थ्रू लगा के यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब कि ये ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा सेट मुझे माना जा सकता है, ऐसी डिवाइस बहुत कम मिलती है। अब देखो ये गुडगो एक ब्रांड है जो कि बेसिकली CCTV वगैरह बनाती है, तो इस ब्रांड के लिए आपका ऐप वगैरह सब अवेलेबल है। मतलब A to Z आप इसमें इसके और अच्छे अच्छे क्वालिटी लेना चाहेंगे तो काफ़ी और कॉस्टली है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वीडियो की जो मैंने फोटेज देखी है, जो इसने शॉट देखा है, तो वो काफ़ी अच्छा है। मतलब इस रेंज में ये एक बहुत अच्छा है, किफ़ायती ये कैमरा हो सकता है हमारे लिए और आपके लिए भी, अगर आप इसको रेगुलर वे में यूज़ करना चाहते हैं तब। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये 1500 के रेंज में काफ़ी एक अच्छा CCTV कैमरा हो सकता है अगर आप इसको अपने घर के लिए लगाना चाहें। मैंने देखा यार मतलब इसकी फोटेज जो है इसकी
यार मैंने इसको देखा है, इसका जो वीडियो फोटेज है वो काफी अच्छा है, क्लियर है, मतलब बिल्कुल क्लियर आता है, मतलब लो लाइट में भी हमने देखा है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है। नाइट विजन पे मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने लो विजन पे टेस्ट किया है, लो लाइट पे टेस्ट किया है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। फ्रेंड्स अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो banggood.com से आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपके पास भी है दुकान तो आप इसमें लगा लीजिए एसडी कार्ड, कोई जरूरत नहीं है इसका अमेजन का क्लाउड सर्विस का प्लान लेने के लिए, या फिर इसका क्लाउड सर्विस का प्लान लेने के लिए आप एसडी कार्ड में डेटा स्टोरेज कीजिए ना, थोड़ा 32 GB तक का ले लीजिएगा स्टोरेज, ताकि आपका काम चलता रहेगा। जैसे जैसे वीडियो फोटेज रिकॉर्ड होगी काम का चीज़ होगा तो ठीक, नहीं तो उसको डिलीट करके चलेंगे, तो बस यही चीज़ है और कोई खास चीज़ तो है नहीं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।